हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ फैशन, लाइफस्टाइल, हॉल रिव्यू एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सो अगर आप भी ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर चेकआउट करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मीशो का हॉल। सो मैंने मीशो से कुछ कुर्ते ऑर्डर किए थे जिसमें से कि चिकनकारी कुर्ता और जो काफ्तान स्टाइल के कुर्ते आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, मैंने वो ऑर्डर किए थे और सब कुछ ना बहुत ही अफोर्डेबल ऑर्डर प्राइस में ऑर्डर करने की कोशिश करी थी, बट मेरे साथ एक स्कैम हो गया। तो उसके बारे में ही मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ कि मेरे साथ मीशो से क्या स्कैम हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाइट कलर की चिकनकारी कुर्ती जो मैंने ऑर्डर करी थी। यू कैन सी ये जॉर्जेट में है पूरी और इस पर इस तरीके की कढ़ाई है वाइट कलर में, बहुत अच्छी है देखने में। ये पहनने में ये थोड़ी सी चुभती है एंड यस आपको इसके साथ जो है स्लिप पहननी पड़ती है अपनी कोई वाइट कलर की। सो मेरे पास ऑलरेडी थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। देखने में ये अच्छी है, प्लेन है, सिंपल सी है। यहाँ कढ़ाई है पूरी स्लीव्स में, फ्रंट में पूरे इसकी कढ़ाई है, बैक में जो है इसके थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ी सी कढ़ाई एंड बीच बीच में छोटी छोटी बूटियाँ दी हुई हैं इस तरीके से, यू कैन सी। ठीक है, और नेक जो है इसका वो सही है बिल्कुल, मतलब मुझे जो है ज़्यादा डीप नेक पसंद नहीं है जैसा आप सबको पता ही है, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग इसको मंगाया था। तो इसका नेक भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने ऑर्डर करी थी एक और मेरे पास आ गए दो ऑर्डर्स एंड दो ऑर्डर आए, उन्होंने मुझसे पैसे भी दो के ले लिए। मुझे लगा कि शायद दो कोई अलग अलग कुर्ते आए होंगे तो मैं उसको जो है देख लेती हूँ कौन से आए। और इस अब इन्होंने ना एक नई चीज़ कर दी है मीशो ने कि पहले क्या होता था आपको एक एक प्रोडक्ट करके ऑर्डर करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है, आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एक साथ ऑर्डर कर सकते हो सीधा कार्ट में डाल के, तो ईजी हो जाता है ऑर्डर करना, पहले बड़ा अनोइंग होता था। तो उसमें हुआ क्या कि ये दो कुर्ती आ गई हैं एक की बजाय, और ये काफ़ी सस्ती थी, 300 समथिंग की ही थी ये कुर्ती जो कि अपने प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। मेरे पास सेम कुर्ती एक नहीं दो दो हो गई है। मैंने सोचा कि चलो इसको रिटर्न कर देते हैं क्योंकि मीशो पे 7 days की रिटर्न पॉलिसी होती है, तो मैं 5th day पे जाके मैंने इसको रिटर्न किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो क्योंकि आज मैं रिव्यू भी आप लोगों के लिए आज कर रही हूँ ऑर्डर करने के, कम से कम मुझे आई थिंक 7-8 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, 8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं मुझे इसको रिसीव किए हुए, उसके बाद मैं रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगा चलो रिटर्न भी 1-2 दिन के बाद कर देंगे क्योंकि मेरे पास और भी कुछ कुर्ताज आने थे, तो मुझे लगा अगर उनमें से भी कोई नहीं अच्छा लग रहा होगा तो वो भी एक साथ ही रिटर्न कर दूंगी। सो दैट बार बार जो है डिलीवरी पर्सन आते हैं तो बहुत डांट पड़ती है घर पे कि रोज़ रोज़ तुम्हारा कोई सामान आता है, उन्हें ये नहीं पता घर वालों को कि हमें रिटर्न करना है ये, क्योंकि अगर रिटर्न करोगे तो वो कहेंगे ऐसा सामान मंगाते क्यों जिसको रिटर्न करना पड़ता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सारे एक साथ आ जाए, रिसीव हो जाए, उसके बाद में मैं सारे रिटर्न वाली चीज़ें भी एक साथ कर दूंगी। बट मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि 7 दिन से पहले कर दूँ, और इससे पहले भी 1-2 कपड़े थे ऐसे जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं मुझे लगे थे तो मैंने वो रिटर्न किए थे। तो उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ऑर्डर किया था ना वो था ये काफ्तान, आप साइड में इसकी इमेज देख लेना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बट जब ये मुझे रिसीव हुआ तो ये कुछ इस तरीके का रिसीव हुआ। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये अच्छा लगे, ये फ्रंट से इसका जो नेक है इस तरीके का है कुछ एंड इसकी स्लीव्स पे पूरा ऐसे नेट का वर्क है, यू कैन सी दिस। ठीक है, और नेक पे ये इस तरीके से इन्होंने एक बांधने के लिए भी दिया हुआ है थ्रेड डोरी वर्क, और ये इसमें नीचे लुपियाँ लगी हैं, देन उसके बाद साइड्स में भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क है एंड नीचे से ये एकदम प्लेन है, बस बीच में फ्रंट में इन्होंने जो है इस तरीके से लेस लगाई हुई है। तो ये पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर इतना सूट ही नहीं कर रहा है, मुझे पर्सनली लगा कि ये मेरे ऊपर ना सूट नहीं कर रहा और ना ही ये स्टाइल मेरे ऊपर सूट कर रहा है, क्योंकि मैं हूँ पियर शेप बॉडी वाली पर्सन जिसका ऊपर का पार्ट इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू लोअर पार्ट। तो ये क्या है कि ना ये साइड से जब आप इसको देखोगे वेस्ट से नीचे ये थोड़ा सा ना बहुत ही टाइट टाइट सा लुक दे रहा है, मतलब मुझे पर्सनली कम्फर्टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि ये देखने में काफ्तान स्टाइल में है, तो आपको शायद इतना पता ना चले जब मैं इसको ट्राई करके दिखाऊं, बट ये मुझे पर्सनली पहन के इतना कम्फर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि भाई इसे तो रिटर्न करना ही है एनी हाउ। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट था वो भी मैंने अगेन काफ्तान मंगाया था, मैंने एक्चुअली 3 काफ्तान मंगाए थे, एक तो मेरे पास अभी तक आया ही नहीं है, और ये जो है ये भी पिक्चर में बहुत सुंदर लग रहा था एंड ये मैंने पहन के भी देखा, ये मेरे ऊपर भी ठीक ठाक लग रहा था, बट अगेन इसके साथ ना सेम वही इशू था। ये देखो ये है बहुत सुंदर, वैसे अगर कोई
किसी को चाहिए काफ्तान स्टाइल पसंद है तो वो इस तरीके का ले सकता है और ये बहुत सुंदर भी लग रहा था। फ्रंट से आप देख सकते हो इस तरीके से इस पर गोल्डन कलर की डोरी का वर्क है और मिरर वर्क है, बहुत प्यारा। और साथ में ये जो थ्रेड है ना ये भी बहुत अच्छा इन्होंने लगाया है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। बट अगेन इसमें भी सेम मेरे साथ इशू था कि ये मुझे जो है बॉटम से थोड़ा सा टाइट आ रहा था तो मुझे इतना कम्फर्टेबल नहीं फील हो रहा था इसमें भी। सो मुझे करने थे ये तीनों चीज़ें रिटर्न। तो ये जो है ये अपने फोर्थ डे पे या फिफ्थ डे पे थे और वो जो टॉप था वो उसको सिक्स डेज हो चुके थे, जो कुर्ती थी उसको सिक्स डेज हो चुके थे ऑलरेडी आए हुए। तो क्या हुआ कि मैंने ना रिटर्न प्लेस करने के लिए गई तो उसमें अपने आप शो करने लगा कि आपके प्रोडक्ट को सिक्स डेज सेवन डेज कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये रिटर्न नहीं हो सकता। मैं चेक करने लगी तो मैंने देखा मैंने 15th को जो है मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ और 9th को ये प्रोडक्ट मेरे पास आया है। तो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि ऐसा कैसे हो रहा है कि नहीं रिटर्न कर सकते। फिर मैंने कस्टमर केयर की ढूंढने की कोशिश करी, कुछ नहीं मिला। हेल्प वाला एक सेक्शन होता है वहाँ पे भी बस वो इतना लिख देते हैं कि 7 days कंप्लीट हो गए। अरे यार आप दिमाग तो लगाओ कि अगर आपने प्रोडक्ट 9 तारीख को सेंड किया तो आपको 15 तारीख को 7 days थोड़े ही हो जाएंगे। पता नहीं किस बेसिस पे जो है ये लोग अपना लॉजिक लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे ऐसा नहीं है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार ऑर्डर किए हैं और जो कपड़ा मुझे नहीं पसंद आया या जो कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं पसंद आया उनको मैंने रिटर्न किया है और वो हर बार इजीली हो गए हैं। बट इस बार पता नहीं इन्हें क्या प्रॉब्लम थी कि इन तीनों में से एक भी कपड़ा रिटर्न नहीं हो रहा है, विच इज़ वेरी अनोइंग। तो आप लोग भी हमेशा जो है ना चेकआउट कर लें कि रिटर्न पॉलिसी का, कि कैसे ये लोग जो है रिटर्न ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आप अपना जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट आया फटाफट अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप जितनी जल्दी हो सके ना उसे 1-2 दिन के अंदर ही रिटर्न प्लेस कर दो अपना, सो दैट आप श्योर हो जाओ कि आप जो है इसको रिटर्न कर सकते हो। प्लस इसकी कोई भी कस्टमर सर्विस नहीं है, बहुत ही बेकार कस्टमर सर्विस है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने रिसेंटली ही शुरू करी है मीशो से शॉपिंग करनी, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए कॉल लाई थी मीशो का। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपको मीशो से शॉपिंग करनी है तो थोड़ा सा सोच समझ के करें और रिटर्न पॉलिसी देख के अच्छे से और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना रिटर्न प्लेस कर दें, सो दैट यू डोंट एंड अप वेस्टिंग योर मनी ऑन वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑन यूजलेस प्रोडक्ट्स। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम।